मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास में मेन रोड ब्रिज के नीचे ही एक बगल में टीएमसी प्रोजेक्ट है और उसके जस्ट बगल में ही पत्रे लगी हुई हैं। दरअसल यहाँ मेन रोड पर ही कुछ हॉकर्स हैं जो धंधा लगाते हैं, मगर इन हॉकर्स में से एक फल विक्रेता फतेह बहादुर सिंह ने यहाँ पर आरपीएफ के नाम पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाया है। फतेह बहादुर सिंह का बेटा गौरव सिंह और सौरभ सिंह ये दोनों बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। गौरव सिंह बीजेपी युवा मोर्चा का मुंब्रा अध्यक्ष है और इनके साथ में ही एक बीजेपी उत्तर भारतीय मुंब्रा अध्यक्ष गुड्डू धारक ने ट्विटर पर ट्वीट करके आरपीएफ मुंबई डिवीज़न को ये बताया था कि मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के नाम पर गरीब रेहड़ी वाले से हफ्ता वसूली किया जा रहा है। प्रशासन से इन्होंने निवेदन किया था कि इस पर जल्द ही कार्रवाई की जाए। हालांकि आरपीएफ मुंबई डिवीज़न ने इस ट्वीट के बाद एक्शन लेने की बात कही थी, मगर मुंब्रा आरपीएफ की इंस्पेक्टर राजश्री आहिर ने फतेह बहादुर सिंह को इस मामले में पूछताछ के लिए कल दोपहर में मुंब्रा रेलवे स्टेशन आरपीएफ ऑफिस में लेकर गई थी, मगर कल शाम होते होते उन पर एनसी दर्ज करके उन्हें छोड़ दिया गया। यहां आपको एक बात बताना जरूरी है कि जो रोड के किनारे फतेह बहादुर जहां फल बेचते हैं वो जमीन रेलवे की नहीं है। फतेह बहादुर का कहना है कि मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये जमीन रेलवे की है, जबकि आपको बता दें कि जब इसकी तस्वीर के साथ आरपीएफ मुंबई डिवीज़न को ट्वीट किया गया उसके बाद आरपीएफ मुंबई डिवीज़न ने ट्वीट करके खुद ये जानकारी दी कि ये टीएमसी के अधीन आती है और ये रेलवे की ज़मीन नहीं है। हालांकि कल जैसे ही फतेह बहादुर सिंह को मुंब्रा आरपीएफ इंस्पेक्टर राजश्री आहिर अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई उसके बाद ट्विटर पर तमाम लोग नाराज़गी जाहिर करने लगे मुंब्रा आरपीएफ के खिलाफ और ख़ास तौर पर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचने लगे। सवाल उठता है कि फिर आखिर कौन लोग वो हैं जो मुंब्रा आरपीएफ के नाम पर यहाँ पर हफ्ता वसूली कर रहे हैं, इसकी जाँच होनी बेहद ही जरूरी है। हालांकि इस पूरे मामले में हमने जब मुंब्रा आरपीएफ इंस्पेक्टर राजश्री से उनका पक्ष रखने को कहा तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया है कि 6 हॉकर्स पर उन्होंने एनसी दर्ज की है। ये बात साफ है कि जब से ये ट्वीट किया गया कि मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के नाम से हफ्ता वसूली होती है उसके बाद से ही हलचल तेज हो गई। हालांकि फतेह बहादुर और उनके बेटे गौरव और सौरभ के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि आखिर उनसे कौन आरपीएफ के नाम पर वसूली करता था, उसकी वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप कुछ भी इनके पास नहीं है, सिर्फ ये मुंहजबानी बता रहे हैं। अगर वाकई में मुंब्रा रेलवे स्टेशन ब्रिज के नीचे जो हॉकर्स हैं इनसे मुंब्रा आरपीएफ के नाम पर हफ्ता वसूली यहां पर हो रही है तो रेल प्रशासन को इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इसकी कड़ी जांच पड़ताल करके इसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो आरपीएफ के नाम से यहां पर हफ्ता वसूली कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में फतेह बहादुर और बीजेपी कार्यकर्ता और फतेह बहादुर के बेटे सौरभ गौरव ये लोग तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल आपका प्रहार टाइम्स इनके आरोपों की पुष्टि नहीं करता है और क्योंकि इस पूरे मामले में हमने राजश्री आहिर से भी अपना पक्ष रखने को कहा था लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बताने या बोलने से इस पूरे मामले में मना कर दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा फतेह बहादुर सिंह। क्या मामला है यहाँ पर आपके साथ? मामला मैं यहाँ पे धंधा 30 साल से लगाता हूँ। आज माल लेके आया, एकाएक मैडम ने हमको उठा ले गए, पूरा फोर्स के साथ में आया, सब माल लाल गाड़ी आदि सब जमा कर दिए। कौन मैडम? रेलवे का मैडम। क्यों उठा के ले गए? क्या बोले? बोले कोई कंप्लेंट किया है पूछताछ के लिए, बुला के ले गए, हमको बैठने नहीं दिया, खड़े करके जो है। क्या चीज़ के लिए ले गए? क्या पूछताछ हुई आपसे? पूछताछ कुछ नहीं, पहले खाली वहाँ हमको दम दे रही थी जो है। क्या क्या दम दे रही थी? दम दे रही थी, कौन कंप्लेंट किया मैं देख लूँगी, ये कर लूँगी। फिर उसके बाद एक मोइन साहब है वो आके हमको
वो बोले तुम्हारा लड़का बीजेपी के नेता है ना, हम यहाँ का हूँ, हरियाणा का हूँ, मैं ये कर दूंगा। बोले कर लेना भाई, हमें कुछ किया नहीं, हमको क्या सुना रहे हो जो है। तो बोले ऐसा वैसा, मैडम बोले हमारे आदमी तूने ढोकर लगाया, ये किया वो किया। बोले मैडम आप ही सब बोले, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ जो है। मतलब क्या चीज़ की जांच पड़ताल हो रही थी, किस चीज़ के बारे में कुछ बता ही नहीं जो, बोले कि हमारे को कोई कंप्लेंट किया है जो है। आप पकड़ के ले गए? नहीं, हमको पकड़ के ले गई जो है, हमको ले जाने के बाद में सबको बुलाई जो है, बोले म्यूनसिपालिटी का जो है और पेपर लाओ जो है, अब तुम लोग इधर धंधा बंद लगाओ। अंदर कुछ केस वगैरह बनाया गया आपके ऊपर? हमारे पास केस बना के भी हमको बहुत डांटे दिए, हमको खड़े रहने दिए। आपने पूछा नहीं कि केस क्यों बना रहे, क्या कारण है? नहीं, बोले हमको कुछ बता ही नहीं रहे, बस आप अपने मना सब लिख रही है। हमको मेडिकल के लिए कलवा बेची जो है, 8 बजे रात को छोड़ी, हमारा माल सब इधर उधर हो गया जो है। लेकिन ये आप जहाँ लगा रहे हैं, ये तो TMC का यहाँ पर है, रेलवे की जमीन नहीं है ना, बोलती हमारी जगह है जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सिंह है, मैं इनका बेटा हूँ। क्या मामला हुआ? मामला ये है कि ये कल किसी ने गुड्डू धारकर करके है, उन्होंने ट्वीट किए थे कि मुमरा में RSF के नाम पे हफ्ता वसूली की जा रही है। अच्छा, तो इसमें रेलवे से रिपोर्ट भी आई है, ये देख सकते हैं आप कि रेलवे का कहना है कि ये हमारे अंडर में नहीं है, TMC महानगर पालिका में है। अच्छा। और मैडम का कहना ये है, इसने ट्वीट किया था ये गुड्डू धारकर करके। कौन है ये? ये भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष है। अच्छा, अध्यक्ष है। तो RPF वसूलती क्या, कौन वसूलता है, क्या ट्वीट में क्या देख रहे हैं? RPF के नाम पर क्यों वसूला जाता है? RPF के नाम पर जी जी। इसके बाद फिर आपके पापा को लेके गए थे जी, सुबह में लेके गए, आज सुबह 12 बजे से लेके गए हुए हैं। कौन लेके गया यहाँ से? कौन लेके गया? RPF के मेंबर और मैडम लेके गए हुए। मैडम कौन, नाम कौन, क्या नाम? दासी मेरी मैडम नाम है उनका। क्या बोले उन्होंने, आप लोग गए थे बातचीत की? जी, मैं वहाँ पे गया नहीं था, मेरे को उतना टाइम नहीं था क्योंकि हम लोग काम धंधे वाले हैं। क्या उन्होंने टोटल 12 बजे से खड़ा करके रखे क्योंकि उनके पैर में तकलीफ है, रहने के बाद भी वो 12 घंटे खड़े लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है, जो ट्वीट किया गया है आपके जान पहचान में है जिन्होंने ट्वीट किया था, तो वाकई में क्या यहाँ पर RPF के नाम से हफ्ता वसूली होता था? होता है। अगर होता था तो कौन लेके जाता था और कितना हफ्ता वसूली होता था यहाँ पर? सर, जहाँ तक उनको खबर आई थी कि महीने का यहाँ पे 1000-2000 रुपये हफ्ता वसूली किया जाता था RPF के नाम पर। आप लोग देते थे? जी, पहले के जितने भी थे सब देते थे। देते थे आप जी? किसको देते थे सर? वो मुझे नहीं मालूम है, इसके लिए वो उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने किए थे। नहीं, आप लोग किसी को पैसा देते तो होंगे ना? जी, आते थे वो मेरे पिताजी को। यादव थे जो है, उसी पार्टी आते थे, हम लोग पीछे गाड़ी लेके जाते थे, 500 रुपया देते थे जो है। अभी आए थे सीधा 2000 रुपया हम वो पार्टी लेंगे। अभी आते थे जो उनका क्या नाम है, मोइन सर है जो है। अच्छा, उसके पहले जो है दूसरा सर थे। क्या बोल के वो लोग, क्या बोल के पैसा लेते थे? बोलते हैं रेलवे के ये जगह है। हाँ। मैडम हमको बोली है बाहर के तुम देखो, अंदर के मैं देखूंगी। अच्छा, तो अभी 2000 रुपया मांग रहे आप लोगों ने? 2000 किसी तरह की जानकारी लेने की कोशिश की जा करके मैडम से? कभी आप लोगों ने पूछा कि RPF के नाम पर यहाँ पर लोग पैसा लेते हैं तो क्या आपके संज्ञान में मामला है? मैडम लिया के उल्टा सुलटा बोलने लगती है और पूरा दिन गवा देती है जो है। मतलब कभी आपने पूछा या नहीं पूछा? हाँ, 2 बार हमारे पास केस बनाती जो है, यहाँ से लिया के हमको केस बनाती जो है, 1 बार माल छोड़ दिए और 2 बार कल्याण कोर्ट में हमको भेज देती है। आपके अलावा यहाँ कितनी दुकानें लगती है? यहाँ 5-6 दुकानें लगती हैं, इस पर कोई लगा नहीं रहा डर के मारे जो है। डर के मारे कोई लगा नहीं रहा? लगा नहीं रहा जो है। वो लोग कहाँ है जो उनसे भी तो हफ्ता ले जाता होगा? हाँ, वो लोग भी क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? वो लोग आगे नहीं आ रहे कि हमारे पास क्या तो जाएगा, हमको धंधा नहीं लगाने देगी। इस तरह से बताया जा रहा, कोई BJP मंडल का है जिसने ट्वीट किया है और आप लोग भी इनके साथ में आए हैं। BJP के जो युवा अध्यक्ष हैं उनके शायद ये पिता हैं, BJP के तमाम लोग साथ में आए हैं। बिल्कुल, ट्वीट हुई थी उसको लेकर हंगामा हुआ, यहाँ धंधा लगाया जा रहा था, अब नहीं लगाने दिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि अब नहीं लगाएंगे। नहीं, लेकिन ये रेलवे की जमीन नहीं है, ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। आप लोग इनके साथ में यहाँ पर आए, क्या कहना है? देखिए, ये मेरे संज्ञान में तब आया जब गुड्डू धारकर करके एक पदाधिकारी है अपने भारतीय जनता पार्टी के मुमरा के, उन्होंने ट्वीट किया था कल या परसों के दिन। वो ट्वीट के ऊपर रिएक्शन ये आया कि यहाँ पे जितने भी धंधा करने वाले लोग हैं उनको RPF द्वारा हटाया गया। मतलब अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तो उस कंप्लेन की इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि भाई RPF के नाम पर कौन पैसा ले रहा है, उस ट्वीट की तो जानकारी ये होनी चाहिए थी। तो उसके बजाय
जो फ्रूट सेलर जो सही में धंधा कर रहे थे उनको ही हटाया गया और ये लोग धंधा आज एक दो साल या पाँच साल से नहीं कर रहे, ये 25 से 30 साल से यहाँ पे धंधा रह के कर रहे हैं। तो अगर ये 25 से 30 साल से अगर यहाँ पे धंधा रह के कर रहे उसके बावजूद भी अगर ये ट्वीट कंप्लेन करते हैं कि भाई आरपीएफ के नाम से अगर कोई हफ्ता वसूली कर रहा है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, उस पर इंक्वायरी की जगह इनको ही उठा के लेके चला गया क्या? अच्छा अगर 5-6 धंधे वाले हैं तो सिर्फ इनको ही क्यों उठा के लेके गया? अगर आरपीएफ वाले अगर आके इनको लेके जाते हैं तो क्यों सिर्फ इनको लेके गए? तो रीज़न ये था कि जो भी ट्वीट्स थे उसके नीचे उनके बेटे के, जैसे गौरव के ट्वीट थे कि भाई हाँ ये बात सच है, मतलब जो उसको वेरीफाई कर रहे थे, उस न्यूज़ को वेरीफाई कर रहे थे, तो बाकायदा इनको टारगेट किया गया। और बाकी अगर कोई अगर फ्रूट वाला अगर आके यहाँ पे नहीं लड़ रहा है तो मतलब ये अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं लड़ने की, करप्शन से लड़ने की। अगर करप्शन के खिलाफ अगर लड़ रहे हैं तो कार्रवाई उसी पर होगी जो मतलब करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है, इस तरीके की बात सामने आई है। तो जब उस वक्त से हम लोग यहाँ पे आए और हमको पता चला तो हमने यहाँ पे कंप्लेन की, कलवा डिवीजन में कंप्लेन की, वहाँ से कुछ पुलिस अधिकारी आके यहाँ पे इंक्वायरी करके गए। और इसके अलावा हम जो ट्वीट हुआ है वो ट्वीट तो हायर लेवल तक के गया है, इसके अंदर बाकायदा ट्वीट के अंदर ही आरपीएफ मुंबई डिवीजन की तरफ से हमको रिप्लाई आया है। वो ट्वीट अभी हम आपको सबसे शेयर करेंगे, जिसके अंदर जिस जगह के बारे में बता रहे हैं आप, ये जगह मैं चाहता हूँ कि आप ये जगह दिखा दीजिए। ये जगह एक टीएमसी बिल्डिंग बन रही है और इस जगह को यहाँ की रेलवे, मुमरा रेलवे पुलिस बोलती है कि ये रेलवे पुलिस के अंडर आता है। बाकायदा ट्वीट के अंदर आरपीएफ मुंबई डिवीजन पुलिस के अंदर वही नहीं उसका आरपीएफ खुद सबूत दे रही है, जिसके अंदर आरपीएफ मुंबई डिवीजन से ट्वीट आया है। आरपीएफ मुंबई डिवीजन ट्वीट खुद कह रही है कि ये जगह टीएमसी के अंडर आ रही है, थाने महानगर पालिका के अंदर आ रही है। अगर उसके अंदर आगे ये लिखा है, अगर आरपीएफ के नाम से अगर कोई हफ्ता वसूली कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये खुद आरपीआई हमको रिप्लाई में ट्वीट कर रही है, मतलब ये ऑफिशियल चीज़ है कि मतलब ये जगह आरपीएफ के अंडर नहीं आती है। अगर आरपीएफ के अंडर नहीं आती है तो आज आके इनको आरपीएफ ने उठाई क्यों? और इनसे कुछ पेपरों पे साइन करके लिया गया है, इनका आधार कार्ड जमा कर दिया गया है और इनकी मेडिकल कराई गई है। ये अक्सर यहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो जब तक मामला गर्म रहता है तब तक उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, कुछ दिनों के बाद 2-3 दिनों के बाद इन्हीं तथ्यों को लेके इन पे केस बन जाएगा। अगर इन पे केस बनेगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि आरपीएफ मुंबई डिवीजन कहता है कि ये तो जगह उनकी नहीं है, थाने महानगर पालिका के अंडर की, तो आरपीएफ लेके जाके इन पे कार्रवाई क्या कर रही है? ये हमको सबसे बड़ा सवाल है। अगर इनके ऊपर अगर कोई भी कल को फेक केस होता है तो भारतीय जनता पार्टी मुमरा और कौसा मंडल के तरफ से यहाँ पे एक जोरदार आंदोलन देखने मिलेगा और जो भी ऑफिसर्स इसमें इस करप्शन में लिप्त रहेंगे उन पे कार्रवाई की मांग हम उच्च स्तरीय लेवल तक के करवाएंगे। थैंक यू। और बोली कि ठाकुर मैं औरत हूँ मगर अगर हमारे पास कोई ऐसा होगा ना तो मैं नौकरी भले चली जाएगी बाकी मारूंगी जो है। किसको मारे? हमको। कौन बोला था ये? मैडम। अच्छा, कब बोली है? हाँ, कब बोली? ऑफिस में अंदर। आज? आज। मारी हो रही है कि? मारी नहीं, दम दे रही थी। अच्छा, दम दे रही। हाँ, बैठने नहीं थी हमको, बोले खड़े रहो खड़े रहो। खड़े कितने घंटे? 12 बजे से लेके 7:30-8 बजे तक खड़े रह गए। खड़े रह गए? हाँ। बैठने नहीं थे? नहीं, जब वो कहीं बाहर जाते थे तो 2 मिनट लिए मैं बैठ जाता था। धमकाया जा रहा है इनको, कंटिन्यू धमकाया जा रहा है कि आप कोई भी कंप्लेन ना करें, इनको कंटिन्यू धमकाया जा रहा है कि आप लोगों ने ट्विटर पे काफ़ी संख्या में, बहुत पब्लिक ने उस पर बहुत सपोर्ट किया है ट्विटर के ऊपर सपोर्ट आने की वजह से आरपीएफ मुंबई डिवीजन और रेलवे के जितने डिपार्टमेंट को जिनको हमने ट्वीट किए थे वहाँ से बाकायदा एक अच्छा रिप्लाई हमको आया है। लेकिन यहाँ पे लोकल स्तर पे मुमरा के यहाँ पे हमको थोड़ा नेगेटिव रिस्पांस आ रहा है। आपने बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारियों तक ये बात? बिल्कुल वहाँ पे भी बात हमने पहुँचा चुके हैं, ये कंप्लेंट बाकायदा हम अभी लिखित में देने वाले हैं और इसके ऊपर अगर कार्रवाई, अगर इनके ऊपर कोई फेक केस होता है या तो ये 30 साल से अगर यहाँ पे अगर ये धंधा कर रहे हैं, अगर यहाँ से इनको जोर जबरदस्ती करके हटाया जाएगा तो इसके ऊपर लड़ाई लड़ी जाएगी। और यहाँ पे किसको भी अभी यहाँ पे हम डिक्लेयर करें, किसको भी अब हम हफ्ता वसूली यहाँ पे करने देंगे नहीं। जब तक कि हमको ये बात नहीं पता थी तो हमको नहीं मालूम था ये सब काला धंधा चल रहा है यहाँ पे, करप्शन चल रहा है। अब जब हमको पता चल गया तो यहाँ से 1 रुपया कोई लेके जा नहीं पाएगा, ये तो हम एकदम ठोक के बोलते हैं।